महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में देर रात 3 मंजिला मकान गिर गया। मकान गिरने से परिवार के 3 सदस्य मलबे में दब गए। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। 1 बच्चे की मौत हो गई, बाकी 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। महेंद्रगढ़ के गाँव भोजावास में साइड में बेसमेंट की खुदाई करते समय 7 का 3 मंजिला मकान गिर गया, जिसमें रह रहे परिवार के 3 सदस्य दब गए। नांगल हरनाथ निवासी संजय ने भी भोजावास बस स्टैंड पर खराद की दुकान कर रखी थी और उसके ऊपर मकान बनाकर रह रहा था। संजय के बगल में बेसमेंट की खुदाई करके मकान बनाया जा रहा था। अचानक रात को मकान गिर गया, जिसमें संजय, उसके पत्नी राकेश व बेटा गुलशन दब गया व दूसरा बोटा मोनू मकान के बाहर था, वह दबने से बच गया। प्रशासन ने ग्रामीणों की सहायता लेकर जेसीबी से 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत से तीनों को बाहर निकाल लिया। इस हादसे में संजय व उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई, जबकि अस्पताल में उनके बेटे की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसएचओ कैलाश सोनी ने बताया कि बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा और बेसमेंट की खुदाई करते समय लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम थाने में हाजिर थे तो हमें सूचना मिली कि गाँव भोजावास में एक संजय का 3 मंजिला मकान था, जो साइड में बेसमेंट का काम चला हुआ था। बेसमेंट के काम चलने की वजह से वो मकान धसकर गिर गया था और उसमें संजय व उसकी घरवाली व उसका एक लड़का दब गए थे। जो वहाँ मौके पर हमने जाके लोगों की मदद से और प्रशासन की मदद से उनको निकलवाया था। जो उसमें उस हादसे में संजय के लड़के की हॉस्पिटल नारनौल मौत हो गई, बाकी संजय व उसकी औरत इलाज के लिए जयपुर गए हुए। महेंद्रगढ़ से जाट टीवी न्यूज़ के लिए विपिन यादव की रिपोर्ट।